फ्रेंड्स, ये वेलकम बैक टू तेनाली लिस एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। पिछली वीडियो जो हम लोगों ने प्रेजेंट इनडेफिनिट से लेकर के पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक के टेंस को कवर कर लिया है, और अगर आपने उन सबको नहीं देखा तो पहले आप उनको देख लें। और आइए अपने इस नए वीडियो में नए टेंस के साथ शुरू करते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल, आने वाला जो भविष्यकाल होता है आने वाला काल, और इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, भविष्यकाल अनिश्चित। जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं पहले फर्स्ट पार्ट में अफर्मेटिव को, तो पहले अफर्मेटिव के पार्ट को पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है साधारण वाक्य। देखिए, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की पहचान है हिंदी के क्रिया के जिन वाक्यों के अंत में गागेगी, मतलब होगा, होगी, होंगे, ये शब्द आएंगे, गागेगी अच्छा रहेगा तो वो होगा फ्यूचर इनडेफिनिट का सेंटेंस होगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। विल का प्रयोग कहां होगा और शैल का प्रयोग कहां होगा उसको पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप जानेंगे शैल का प्रयोग कहां करेंगे हम, आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। जो सब्जेक्ट होगा फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी होगा, तो उसके साथ हम हमेशा शैल का यूज करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन होगा या सेकंड पर्सन, मतलब ही से इट दे और यू और नाउन, नाउन का मतलब एनी नेम, किसी का नाम होगा, ही से इट होगा, दे होगा, यू होगा, तो उस सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम विल का यूज करेंगे। दोस्तों, इतना हो गया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर में क्या क्या रहेगा। सबसे पहले हम किस वर्ड को लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट को। यह स्ट्रक्चर केवल अफर्मेटिव में काम करेगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब विल या शैल, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल होगा वह मेरे साथ, वह मेरे साथ रहेगा, वह मेरे साथ रहेगा। तो देखिए, ही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और ही क्या थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ ये, आप इतना जानिए ही के साथ आप क्या लगाएंगे, शैल या विल, तो विल लगेगा, ही विल। अब उसके बाद मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, रहने वाला काम हो रहा है, तो लिव। फिर अब क्या करा, ऑब्जेक्ट किसके साथ है, मेरे साथ, ये हो गया। चलिए देखिए, मैं उसे बुलाऊंगा, मैं उसे बुलाऊंगा, आई सेल, आई सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, तो यहां पे सेल लगेगा, फिर इसमें कौन सा काम हो रहा है, बुलाने वाला काम, आई सेल कॉल, और उसी के लिए क्या होगा, हिम। तो ये था अफर्मेटिव का पार्ट। पहला एग्जांपल है वह मेरे साथ रहेगा, He will live with me. Second, मैं उसे बुलाऊंगा, I shall call him. ये था अफर्मेटिव का पार्ट। तो आइए हम लोग देखते हैं नेगेटिव के पार्ट को। मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। देखिए, एक एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर जो अफर्मेटिव का था सेम स्ट्रक्चर निगेटिव का भी होगा, उसमें केवल आप नॉट को ऐड करेंगे, तो लिखना क्या समझ लीजिएगा उसको, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, तो मैं सब्जेक्ट है, सबसे पहले क्या होगा, आई, फिर आई के साथ सेल या विल, क्या सेल या विल, सेल लगेगा, आई सेल नॉट, सिंपल है। अगर नहीं दिया तो नॉट काट देंगे हम, अगर नहीं दिया तो नॉट लगा देंगे, दोनों चीजें सेम है, अफर्मेटिव और निगेटिव। आई सेल नॉट गो, गो टू किसके घर है, उसके घर, हिज होम। अगर यहां पे उनके होता तो यहां पे देम रहता, ये हो गया। अगर वे हमें हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, वे हमें हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, तो इसमें क्या सब्जेक्ट है, वे, वे के क्या होगा, दे, ये क्या है सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन है, तो यहां पे क्या होगा, विल,
दे विल नॉट पढ़ाने के लिए टीच अस, टीच अस क्या है हिंदी, दे विल नॉट टीच अस हिंदी। यह था नेगेटिव का पार्ट। अभी हमें इसके आगे देखना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक चीज बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो पार्ट में होता है। पहला होता है एस आर नो टाइप और दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप। तो आइए पहले हम लोग उसको डिटेल में देखते हैं। एस आर नो टाइप पहले हम लोग पढ़ेंगे। एस आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एस आर नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। तो एस आर नो टाइप का मतलब होता है जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आप हाँ या नहीं में दे सकोगे, जैसे आपसे कोई पूछ रहा है क्या तुम पढ़ते हो, तो आप बोलेंगे हाँ। एस आर नो, तुम कहाँ पढ़ते हो, इसका उत्तर हाँ या नहीं में करोगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। तो वही कहने का मतलब है ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आप हाँ या नहीं में दे सकते हो। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है क्या तुम खाना खाते हो, तो आप कहेंगे हाँ या ना। लेकिन अगर पूछेगा तुम क्या खाते हो, तो नहीं बता पाओगे हाँ या नहीं, उसका उत्तर देना पड़ेगा, तो कुछ कहना पड़ेगा, ठीक है ना। वही चीज है जिसका उत्तर हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, वही होता है एस आर नो टाइप। और जब आप ऐसे प्रश्न होंगे जिनका उत्तर हाँ या नहीं में दे पाओगे, तब उसको आप सबसे पहले कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो क्या है विल और शैल है। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब कर्ता होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्क मतलब क्रिया जो काम होगा उस सेंटेंस में, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क लगाना कंपलसरी है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। क्या विद्यार्थी विद्यालय में आएंगे, अभी पूछ रहा है क्या विद्यार्थी विद्यालय में आएंगे, तो उस आप कह देंगे हाँ या ना, एस आर नो, इसका उत्तर तो हाँ या नहीं हो जाएगा ना। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सब हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल में से कोई एक, क्या सब्जेक्ट है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी थर्ड पर्सन है, आई और वी तो है नहीं, आई और वी के साथ शैल होगा, बाकी सभी के साथ विल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा विल, विल स्टूडेंट, विल स्टूडेंट्स, फिर क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ है कम इन स्कूल, फिर अब क्या बचा लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। आइए और देखते हैं एग्जाम्पल, क्या वे तुम्हारे भाई, क्या वे तुम्हारे भाई के साथ क्रिकेट क्या वे तुम्हारे भाई के साथ क्रिकेट खेलेंगे, एस आर नो, हाँ या नहीं में उत्तर तो हो गया। तो इसका मतलब हम लोग बनाएंगे सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ड विल या शैल, विल विल दे, विल दे प्ले, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विथ योर ब्रदर। ये था फर्स्ट टाइप का। ऐसे होते हैं कुछ, ऐसे होते हैं सेंटेंस इनका उत्तर हाँ या नहीं में दे पाएंगे, तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे। और सुनिए, अगर यही सेंटेंस एस आर नो टाइप में नहीं है, मतलब क्या ऐसा सेंटेंस होगा जिसका उत्तर आप हाँ या नहीं में बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है दोस्त, यहाँ पे बस केवल डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच वर्ड मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे व्हाट वेयर व्हेन हाउ व्हिच, वही होते हैं, तो उनको आप सबसे पहले यहाँ यूज करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जो सेंटेंस में क्वेश्चन पुट अप करेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। डब्ल्यू एस टाइप का मतलब होता है ऐसे प्रश्न या ऐसे सेंटेंस जिनका उत्तर हम हार नहीं में बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, उनका उत्तर देने के लिए हमें कुछ बातें बोलनी पड़ेंगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और इसका सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें लिखना होगा डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब होता है गाइस ऐसा ऐसा वर्ड जो प्रश्न को पूछ रहा है, जैसे क्या व्हाट हो गया, क्या हो गया व्हाई, तो व्हाट व्हेन व्हाई वेयर हाउ व्हिच, ये सब होते हैं जो होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, जो प्रश्न को पूछने का काम करते हैं। जो शब्द प्रश्न को पूछेगा सेंटेंस में, हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी आगे लिखेंगे, वो होता है डब्ल्यू एच वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको पता है विल से सब्जेक्ट मतलब करता होता है, मेन वर्ब जो वहां पे क्रिया होगी, ऑब्जेक्ट माने कर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहला सेंटेंस, खिलाड़ी आज मैदान में क्या क्या खेलेंगे, तो करा क्या क्या,
इंट्रोवर्टिक जो वर्ड है वो एक ही तो है, क्या है ना, क्या 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 हजार बार कोई लिखते, उससे आपको कोई वरी होने की चिंता कोई भी बात नहीं है। ये देखिए क्या 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 का मतलब क्या होता है, केवल तो वाट वाट हो गया। फिर इसके बाद डब्ल्यूज वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और से, तो यहां पे क्या लगेंगे खिलाड़ी साहब, विल, वाट विल प्लेयर, वाट विल प्लेयर्स, फिर क्या है सब्जेक्ट, ये तो हो गया। फिर क्या है मेन वर्ब, कौन सा काम हो रहा है, खेलने वाला, प्ले, वाट विल प्लेयर्स प्ले, कहां खेल रहे हैं, इन द ग्राउंड। यूके सेंटेंस आपका, चलिए और देख लेते हैं। हम वहां कब, हम वहां कब जाएंगे, तो कब के लिए होगा व्हेन, व्हेन शैल वी, व्हेन शैल वी गो देयर, वहां के लिए देयर। ये था आज का इंट्रोवर्टिव का पार्ट दोस्तों, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और हाँ अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह से वीडियोस मिलती रहें तो आप उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ।